बिहार में हिंसा के बाद सियासत आसमान पर है। गृहमंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो चुका है, जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने हिंसा को दौरे से जोड़ते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हिंसा को साजिश बताते हुए कहा है कि किसी ने गड़बड़ी की है, इधर उधर की गई है, जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। जो एक बयान नपातुला होता है मुख्यमंत्री ने वो दे दिया, खुलकर नहीं बोले, लेकिन हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर बीजेपी का यह प्रहार, क्योंकि सासाराम का दौरा करना था गृहमंत्री अमित शाह को, लेकिन वो दौरा रद्द कर दिया गया। बीजेपी ने कहा धारा 144 लागू है, लेकिन बिहार के सासाराम में हिंसा के बाद तनाव, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से की जा रही है, हिंसा तो थम गई है लेकिन तनाव और डर और जो सन्नाटा है वो चारों तरफ महसूस की जा सकती है। तो बिहार में साजिश का एंगल, लेकिन यह साजिश किसने की, कौन है इसके पीछे, क्यों माहौल खराब किया जा रहा है। अब पिछले जो दो दिनों में सब कुछ हुआ है वह आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए पांच तस्वीरें, फायरिंग हुई नालंदा में, आगजनी हुई, तोड़फोड़, हिंसा, सब कुछ देखा गया, बाइक तोड़ी गई, गाड़ी जला दी गई, ये नीचे की तस्वीर देख रहे हैं, शख्स चोटिल हो गया। बिहार शरीफ में ये जो बीच में आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। नवगछिया में भी माहौल खराब, मुंगेर में लूट बदला गया, नारेबाजी हुई, मूर्ति विसर्जन में भी झड़प की, ये पूरी खबर, दो तस्वीरें अब आपके सामने, पथराव, फायरिंग, आगजनी, हिंसा, सब कुछ, सुलगी हिंसा, ये सासाराम की तस्वीरें। दूसरी तरफ जहां आप हर तरफ सड़क पर देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर, प्रतिक्रिया सुनिए, बयान सुनिए। अमित शाह बहाना है, उनको रोकना है कि वहां का माहौल खराब है। अमित शाह को किसी तरह से सासाराम की धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए अगर अमित शाह के फॉलोवर टोपी पहन लेते और अमित शाह का नाम होता मोहम्मद इदरीस तो आज ये प्रोग्राम नहीं रुकता। गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है, ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं, जब भी आए हैं या जो भी जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेवारी है वो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं कोई बात नहीं, वो सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के रूप नहीं कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। ये कोई नेचुरल चीज नहीं, ये जरूर कोई इधर उधर किया है अननेचुरल, बिना मतलब का जानबूझकर। ये सरकार वोट के खातिर तुष्टिकरण की राजनीति की प्रकाष्ठा कर रही है। अभी तो मैं समझता हूं कट्टरपंथी भी इनके सामने इनके व्यवहार के कारण उनका सर झुक गया होगा, बौना पड़ गया। नालंदा जैसे जगह में अगर बड़बड़ता हो, सासाराम जैसे जगह में बड़बड़ता हो और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देखते रहे क्योंकि पापी वोट का सवाल है, पापी पेट का सवाल, हम लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है। बिहार जल रहा है और सियासत भी सुलग रही है। इस बीच बिहार बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से खास बातचीत की आज तक संवाददाता ने, क्या कुछ कहना है उनका आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए। होने के बाद देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा सासाराम में कैंसिल कर दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आपके केंद्रीय मंत्री का दौरा जो है वो रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो स्थिति थी, जो हालात वहां की है, राज्य सरकार के द्वारा 144 लगा दिया गया, तो इस स्थिति में कार्यक्रम नहीं संभव था। हम लोग सरकार को पूरा सहयोग करना चाहते, हमारे लोगों को सुरक्षा तो दीजिए। कल 10 बजे रात तक ना लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा था, ना हमारे कार्यक्रम को सुरक्षा दिया रहा, तो हम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह
राज्य सरकार को सहयोग करना चाहती है कि, लेकिन ये चिंता का विषय है कि बिहार के कई जिले हेडक्वार्टर पर जिस तरह की घटना घट रही है ये तो चिंता का विषय है और राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही, ये दुखद है। सरकार को तो तुरंत फ्लैग मार्च से लेकर सारे चीजों को जहां जरूरत हो तो केंद्र से बल मांगने चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक जी के कार्यक्रम को आगे के दिनों में करेगी, इसको स्थगित करेगी, लेकिन हमारे जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा में वो होगा और जो सरकारी कार्यक्रम आदरणीय गृह मंत्री जी का है वो भी होगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम ठीक है, अभी अभी कह रहे थे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी को मैं ये आग्रह कर रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने गड़बड़ तो किया है ना, जो किया उस पर कार्रवाई कीजिए। किसके लिए सोए हुए आप? आखिर गृह मंत्री देश के आ रहे हैं और यदि गड़बड़ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ तो ये तो चिंता का विषय है। वही तो मैं चिंता कर रहा हूं, चिंता व्यक्त कर रहा हूं और पूरा सहयोग करना चाहता हूं। तो भी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे, इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है, कहा है कि सरकार की गड़बड़ी के कारण जो है और उनकी कमियों के कारण जो है बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है। कैमरामैन आनंद के साथ अनिकेत कुमार, आज तक, पटना।